जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोजख में है, अब्दुल्लाह बिन उबई सबसे नीचे की दोजख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो, कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते तो बदबख मुनाफिक दफा हो जा। कह या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए खड़ा, उमर सामने आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कि शायद अल्लाह माफ कर दे। कर उमर पीछे हट जा, मुझे पता है ये कौन, मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर मैं माफ नहीं करूंगा, मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है, ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें मां बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के बाहर मस्जिद धोवो कुत्ते अंदर वाड़ा है। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होते हैं, मैं तो कॉलेज में गाने वाला था, नाचने वाला था जुनैद जमशेद की तरह, मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, मस्जिद धो दो बार खड़ो, ये मस्जिद में खड़े होकर मां की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं, तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते हमारे नबी की तरह, हमें खाने खिलाते, हमें पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते, लेकिन मां बहन की कालियां मस्जिद में खड़े होकर, इमाम मस्जिद, हम पंजाब के जमींदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कह दे, हमारे बुजुर्ग बड़े भी बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो, मेरे वालिद मरहूम खुद बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी थोड़ी बात पे मार पिटाई गालियां, लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए, वो तो मां बहन की गालियां निकालो। और साथ ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, हम ये काफिर हैं, इनको निकाल दो, कुत्ते आ गए, मस्जिद धो वो। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में डर रहते थे। मेरे भाइयों, इस जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना दुखड़ा बयान कर रहा हूं, इसकी संगीनी को समझो। ये पौंड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। मैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बार बार दिया, इसी तबलीग के सिलसिले में सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ। और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहां 800 साल हुकूमत थी और खत्म हो गई, मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में, कि जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, और होश नहीं है किसी को मजहब पर लड़ाई, सियासत पर लड़ाई, दीन पर नफरत, सियासत पर नफरत, कौम पे नफरत, सूबे पे नफरत, पेशे पे नफरत, नफरत नफरत नफरत। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? साहबा ने कहा नमाज, हमने कहा नहीं,
सहाबा ने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा रोज़, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। भाइयों, इस तबलीग के काम को तबलीगी जमात ना समझो, किसी फिरके के नुमाइंदा ना समझो। हम किसी फिरके के नुमाइंदा नहीं हैं, इस्लाम की नुमाइंदगी है। मैंने सिर्फ आज आपको कलमा बयान किया है, ये इस्लाम की नुमाइंदगी, ये दीन की नुमाइंदगी है। इसके लिए हम वक्त मांगते हैं, आपसे भी मांग रहे हैं। और आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, उम्मत बनकर इख्तलाफ करो लेकिन मोहब्बत ना छोड़ो। मियाँ बीवी में भी इख्तलाफ हो जाता है, इस हद तक ना जाओ कि मार पिटाई गाली गलोच हो। माँ बाप से भी इख्तलाफ हो जाता है, इस हद तक ना जाओ कि माँ बाप की बददुआएं लेने लग जाओ। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत, सबसे मजबूत अमल मोहब्बत। उठ गई, हम उम्मत नहीं है, अब हम फिरके हैं। मोहब्बत है तो हम उम्मत हैं, मोहब्बत नहीं तो हम फिरके हैं। और फिरके मेरी नजर, मेरे रब की नजर में कूड़े क्रिकेट के ढेर के सिवा कुछ नहीं, कूड़ा करकट और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा तारुफ किसी फिरके से, हाँ मेरा एक मसलक है, मेरा एक अकीदा है, मैं उस पर पाबंद हूं, लेकिन मैं औरों को उसकी दावत नहीं देता। मैं उन इस्लाम की दावत दूंगा आपको इंशाल्लाह। आप भी अपने अकीदे पर पाबंद रहो, अपने मसलक पर पाबंद रहो, लेकिन थोड़ा जा रहा दुनिया में दे छोड़ो। जन्नत वड्डी सारी है, वेली जन्नत अल्लाह चार पावन। अब बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर है, देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर है, गैर मुकल्लिद कहते हैं मुकल्लिद काफिर है, मुकल्लिद कहते हैं गैर मुकल्लिद काफिर है। हुण दसो जन्नत जावना कह वेली जन्नत चला की करना में, चलो अचार पाओ। इतनी बड़ी मेरे रब की जन्नत क्यों असि तंग कर छड़ी? सर असा ही जावना और किसे जाना ही कोई। तो मैं अपने नबी की हदीस सुना, एक दिन ऐसा आएगा मेरा अल्लाह फरमाएगा मालिक जहन्नुम का, जहन्नम का जीएम जनरल मैनेजर मालिक, मालिक जिसने जिंदगी में कभी एक दफा भी मेरा नाम लिया था उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। तो हम मुसलमान हो के एक दूसरे को काफिर 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 काफिर, गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख, किसी को गुस्ताख कहना इतना आसान? और फिर ये नफरत यहां तक पहुंची है कि हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते इमाम के पीछे। कहिए ना दे पीछे नमाज होंगी नहीं, ये वाबी है। ये दीन मदीने से आया था या मुल्तान से आया था, मक्के से आया था या लाहौर से आया था? क्या जुल्म और सितम है, वो किस कदर जाहिल। मैंने खुद अपने कानों से एक क्लिप सुना कि मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, ये गुस्ताख रसूल है। मैंने अपने कानों से सुना है, मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ है। क्या मेरा रब इतना कमजोर हो गया है? मैं तो अपनी मस्जिद में अपने किसी मुखालिफ को खड़ा नहीं होने देता हूं, तुझे तो खलो मड़ दोगे किसी। तो मेरा रब इतना कमजोर हो गया कि अपने हबीब के मुसल्ले पर उसी के गुस्ताख को खड़ा कर दिया। अपने घर में हरम बैतुल्ला जहां एक नमाज एक लाख के बराबर, वहां ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है? नहीं भाइयों, ये इन भाइयों को किसी ने गुमराह कर दिया है, किसी ने भटका दिया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ा करता हूं नौजवानों से आपसे कि खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, चूंकि तर्जमे मौजूद हैं हर जुबान में, कुरान का तर्जमा पढ़ो तो सही मेरा रब की आखी जानते, खोल के नहीं देखते हो। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की सीरत पढ़ो, अपने नबी की हदीस पढ़ो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि वो हस्ती क्या फरमा रहे हैं। फिर तुम बैठने वाले को पकड़ सकते हो जनाब की बोली जानते हो, अब आपको पता ही कोई नहीं वो क्या कह रहा है, कहां से कह रहा है। भाइयों,
उम्मत बन के चलो, मोहब्बत से चलो।